हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सूरन की सब्जी। ये रेसिपी मैं पहले भी कई सारे डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगी, और चैनल पर न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैं बाजार से लाई थी सूरन, जिसे मैं छीलकर काट ली हूँ छोटे छोटे टुकड़े, और इसमें एक लेमन का जूस डालेंगे। आपके पास अगर पौधे हैं तो इसमें पत्ते भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मुंह में थोड़ा लगता है इसलिए लेमन डालते हैं। और ये इसमें 1 ग्लास वाटर डाल दी हूँ, और इसे हम 2 या 3 सीटी फुल फ्लेम में पका लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसके लिए हम 2 टमाटर लिए हैं और 2 प्याज, जिसके मैं प्यूरी बना ली हूँ आप देख सकते हैं। और ये मसाले रेड चिली पाउडर, टर्मेरिक पाउडर, नमक और ये गरम मसाला मैं घर में बनाई। और इसके लिए मैं जख्या ली हूँ, जिसे हम विल्ड मस्टर्ड भी कहते हैं, और रेड चिली ली हूँ साबुत। चलिए अब मसाले पका लेते हैं। जब तक बॉयल हो रहा है तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून डाल दी हूँ तेल, और इसमें जखिया और रेड चिली डाल देती हूँ, और इसे 1 या 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। जीरा के बदले में मैं जखिया ली हूँ, और इसमें गरम मसाला डाल देंगे। सारे मसाले को मैं तेल में फ्राई करूँगी और इसमें डाल दूंगी फ्राई होने के बाद। अब चलिए इसमें डाल देते हैं टोमेटो और ऑनियन का प्यूरी। आप अपने हिसाब से लीजिए टोमेटो और ऑनियन, आप फैमिली के अकॉर्डिंग जितना सब्जी ले रहे हैं उतने डालिए इसमें टोमेटो और ऑनियन का प्यूरी। मैं 2-2 करके ली हूँ। ये मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, क्योंकि इस टाइम में तो हमारे यहाँ प्याज लहसुन चलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं मैं सारे इसको पका लेंगे, जब तक इसमें तेल ना छूटे तब तक इसको इस तरह से पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी मसाले भून चुका है, तो इसमें मैं बॉयल किया हुआ ये सूरन डाल दी हूँ, और इसे 2-3 मिनट तक ढककर पकाएंगे। नमक भी मैं स्टार्टिंग में ही डाल दी हूँ, ताकि ये अच्छे से पक सके, और इसमें तेल जल्दी छूट जाता है नमक डालने के बाद। तो चलिए इसे ढककर 2 मिनट छोड़ दिए थे। ये देखिए अभी 2 मिनट हो चुका है, तो अब देखते हैं हमारा सब्जी कैसा बना है। तो आप देख सकते हैं ये भुन चुका है अच्छे से। तो चलिए अब इसमें हम फैमिली के अकॉर्डिंग वाटर डाल देते हैं ग्रेवी के लिए। मैं इसमें 1 ग्लास वाटर डाली हूँ, आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग डालिए। और इसमें 1 टेबल स्पून मैं बेसन डाल दी हूँ, ताकि ये गाढ़ा और भी अच्छी बनी सब्जी, ग्रेवी अच्छी गाढ़ा बने। इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक करके 1 या 2 मिनट तक फुल फ्लेम में पकाएंगे, ताकि ये अच्छे से पके। और हाँ, अगर आप फुल फ्लेम में पका रहे हैं तो ध्यान रखिएगा जो यह जले नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा सूरन की सब्जी बनके तैयार हो गया है ग्रेवी वाली। तो आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी? अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी लेकर। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।